हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में अपने 3.3 के 5 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम इसका छठा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है सिद्ध करना है ये cos π/4 - x cos π/4 - y - sin π/4 - x (sin π/4 - y) = sin x + y। तो देखो, इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, cos π/4 - x (cos π/4 - y) - sin π/4 - x (sin π/4 - y)। तो यहां पर देखें, इसमें ये वैल्यू यहां पर सेम है, ये π/4 - y (π/4 - y) सेम है। तो ये बन सकता है यहाँ पर cos x (cos y) - sin x (sin y)। तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि cos x (cos y) - sin x (sin y) ये किसके इक्वल होता है, cos x + y। किसका फॉर्मूला होता है, cos x + y। तो क्या बनेगा यहाँ से, cos x की वैल्यू कितनी है, π/4 - x + y, y की वैल्यू कितनी है, π/4 - y। इस तरीके से बन रहा है cos x (cos y) - sin x (sin y)। तो फॉर्मूला लग गया cos x + y। तो cos π/4 + π/4 कितने हो गए, 2π/4। π/4 + π/4 2π/4 2 × 2 4। फिर माइनस ब्रैकेट में यहां क्या रहेगा, -x - y, ये दोनों क्या हो गए, ऐड हो गए। तो cos π/2 - कॉमन ले, ब्रैकेट में क्या रहेगा, x + y। अब cos π/2 - थीटा, फॉर्मूला मिल सकता है cos π/2 - थीटा। देखो इसमें इस प्रकार से अपने 0π/2, 3π/2 और ये 2π। अब हो रहा है π/2 - थीटा, π/2 में से माइनस करेंगे तो इसको ऑर्डिनेट में रह गया, और ये कौन सी लाइन है, चेंजर लाइन है, इसमें से कुछ माइनस हो रहा है, तो यहां पर इसमें सारे के सारे मान प्लस के हो गए, क्या आएगा, sin थीटा। क्या आएगा यहां पर, sin थीटा। तो ये क्या बन गया, इसमें sin थीटा की वैल्यू क्या है, x + y, और हमें प्रूव भी क्या करना है, इक्वल में sin x + y। तो ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन, सातवें क्वेश्चन में भी प्रूव करना है, tan में देखती है वैल्यू, तो इसमें दिया है tan π/4 + x अपॉन में tan π/4 - x इक्वल में 1 + tan x अपॉन में 1 - tan x और इसकी होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है इक्वल में। तो देखो इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, tan π/4 + x अपॉन में tan π/4 - x। अब यहां पर फॉर्मूला लग सकता है, इसमें tan x + y और इसमें फॉर्मूला लग जाएगा tan x - y। तो tan x + y इक्वल tan x, यहां पर क्या फॉर्मूला लगेगा, इसमें tan x + y और यहां पर tan x - y। तो tan x + y का फॉर्मूला क्या होता है, tan x + tan y अपॉन में 1 - tan x - tan y, 1 - tan x - tan y, ये तो ऊपर फॉर्मूला लग जाएगा यहां पर। और tan x - y का लगाएंगे इसमें अपॉन में, तो tan x - y यहां पर क्या आएगा, tan x - tan y अपॉन में 1 + tan x tan y। तो
इस फॉर्मूले को इसमें अप्लाई करते हैं, tan x plus y, तो tan x tan pi by 4 plus tan y, तो tan x upon me 1 minus tan x tan pi by 4 और tan y, y की वैल्यू कितनी है x, upon me tan x minus y, तो tan x, x की वैल्यू कितनी है pi by 4 माइनस टेन वाई, वाई की वैल्यू कितनी है टेन एक्स, अपॉन में वन प्लस टेन एक्स टेन वाई। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, टेन पाई बाय फोर, टेन पाई बाय फोर की वैल्यू कितनी होती है वन प्लस टेन एक्स, अपॉन में वन माइनस टेन पाई बाय फोर की वैल्यू वन, वन इंटू टेन एक्स, टेन एक्स ही आ जाएगा इंटू ये ऊपर वाली संख्या के बटा में थे, ये इसके मल्टीप्लाई में चलेंगे और ये नीचे वाली संख्या के बटा में, तो ये कहां चलेंगे ऊपर, तो यहां पर इनटू में क्या आएगा वन प्लस टेन पाई बाय फोर की वैल्यू वन, वन इंटू टेन एक्स, टेन एक्स अपॉन में टेन पाई बाय फोर वन माइनस टेन एक्स, तो वन प्लस टेन एक्स इंटू वन प्लस टेन एक्स, तो क्या आएगा 1 plus 10x की होल स्क्वायर अपॉन में 1 minus 10x, 1 minus 10x, तो 1 minus 10x की होल स्क्वायर, या इसको क्या लिख सकते हैं 1 plus 10x अपॉन 1 minus 10x और इस पूरे की होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी क्या करना है, प्रूव भी करना है, cos pi plus x क्या दिया है, cos pi plus x into cos minus x, cos pi plus x into cos minus x upon me sin pi minus x, cos sin pi minus x इंटू कोस पाई बाई टू प्लस एक्स इक्वल में कोट स्केयर एक्स, इक्वल में इसके दिया है कोट स्केयर एक्स, इसको प्रूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे इसकी, तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया है कोस पाई प्लस एक्स इंटू कोस माइनस एक्स अपॉन में साइन pi minus x into cos pi by 2 plus x। अब यहां पर ये चार क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 0 pi by 2 pi 3 pi by 2 यहां पर 2 pi। अब सबसे पहले दिया है cos pi plus theta, क्योंकि cos पाई प्लस थीटा इक्वल, देखो पाई में प्लस हो रहा है कुछ, यहां पर ये किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, पाई में कुछ प्लस होगा, तो इसमें कौन कौन से मान प्लस के होते हैं, टेन और कोट, टेन और कोट, इसमें कोस क्या होता है माइनस का, और ये चेंज लाइन नहीं है, ये कौन सी लाइन होती है, ये तो चेंज लाइन, लेकिन ये चेंज लाइन नहीं है, कोस का क्या रहता है, कोस ही रहता है, तो क्या आएगा यहां से माइनस कोस थीटा, क्या आएगा यहां से माइनस कोस थीटा, फिर यहां पर है कोस माइनस थीटा, इसके फॉर्मूले बताए थे कोस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा, तो दोनों प्लस के होते हैं, ये क्या आएगा इसमें कोस थीटा। अब ये यहां पर साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, ये लाइन है और ये लाइन चेंजर लाइन नहीं है, साइन किसमें रहेगा, साइन में रहेगा, पाई में से कुछ माइनस करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन किसका होता है, प्लस का होता है, तो साइन पाई माइनस थीटा क्या आ जाएगा साइन थीटा, फिर कोस पाई बाय टू प्लस थीटा, पाई बाय टू प्लस थीटा, पाई बाय टू यहां पर है, इसमें प्लस हो रहा है, इस क्वाड्रेंट में आ गया सेकंड में, अब पाई बाय टू यानी ये कौन सी लाइन है, चेंजर लाइन है, तो साइन किस में चेंज हो जाता है, कोस में,
तो कोस और साइन इसमें होता किसका, सेकंड क्वाड्रेंट प्लस का, तो यहां पर क्या आएगा कोस थीटा। वैल्यू रख लेते हैं कोस पाई प्लस एक्स, कोस पाई प्लस थीटा माइनस कोस थीटा, तो ये कितना आएगा माइनस कोस एक्स इनटू कोस माइनस थीटा प्लस का कोस थीटा होता है, तो इसको क्या लिखेंगे कोस एक्स, फिर अपॉन में साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई में से माइनस हो रहा था तो यहां पर ये क्या आता है साइन थीटा इनटू कोस पाई बाय टू प्लस थीटा, ये चेंज लाइन थी तो ये किसमें चेंज हो गया साइन में, और किसका आएगा माइनस का कोस है, सॉरी यहां पर कोस पाई बाय टू प्लस थीटा है तो इसमें आएगा, और इसमें कोस किसका होता है माइनस का, देखिए पाई बाय टू किस पर है चेंजर लाइन पर है, चेंजर लाइन पर है तो कोस किसमें बदल जाएगा साइन में, और कोस इसमें होता भी किसका है माइनस का, तो ये क्या आएगा माइनस साइन थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल एक्स चल रहा है तो यहां भी क्या लिखोगे इसमें एक्स, कोस एक्स इंटू कोस एक्स कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो कोस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है कोट एक्स, क्योंकि कोस एक्स कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल में कोट थीटा, तो यहां पर कोस एक्स अपॉन साइन एक्स है तो कोट एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर इक्वल में कोट स्क्वायर एक्स, और ये किसके इक्वल है राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नौवां क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी क्या करना है प्रूफ भी करना है, कोस 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, कोस 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स इनटू कोस 2 पाई प्लस एक्स, कोस 2 पाई प्लस एक्स फिर इसमें इनटू इनटू कोट 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कोट 2 पाई प्लस एक्स प्लस कोट 2 पाई प्लस एक्स इक्वल एंड रूम करने से 1 प्लस में कोट 2 पाई प्लस एक्स, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या रही है कोस 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स इनटू कोस 2 पाई प्लस एक्स इनटू कोट 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कोट 2 पाई प्लस एक्स, ये बोथ क्वाड्रेंट डिवाइड होते हैं इस प्रकार से 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 और यहां पर यहां 2 पाई, सबसे पहले यहां पर cos 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स इस लाइन पर है और ये लाइन हमारी क्या होती है चेंजर लाइन, 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स इसमें cos किसका होता है प्लस का ही होता है लेकिन चेंज किसमें हो जाता है sin, तो ये यहां पर sin थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है x, तो sin x इनटू अब यहां पर है cos 2 पाई प्लस एक्स इस लाइन पर आ गया और ये लाइन चेंजर लाइन नहीं है, कोस है तो कोस में रहता है साइन है तो साइन में, 2 पाई प्लस एक्स तो यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, कुछ प्लस करेंगे तो इसमें सारे के सारे मान किसके होते हैं प्लस के ही होते हैं, तो कोस 2 पाई प्लस एक्स किसका हो गया प्लस कोस एक्स, फिर कोट 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स इस लाइन में से कुछ माइनस कर रहे हैं तो कोट है तो ये किसमें चेंज करेगा टेन में, लेकिन 3 पाई बाय 2 में से माइनस करेंगे तो यहां भी आ गई थर्ड क्वाड्रेंट में और थर्ड में टेन और कोट किसके होते हैं प्लस के, तो यहां से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी टेन एक्स फिर प्लस कोट 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स हो रहा है इस लाइन पर है इसमें कोट किसमें रहेगा कोट में रहेगा 2 पाई प्लस एक्स यानी इसमें मान किसके होते हैं सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस के, तो ये कितना आ जाएगा कोट एक्स, सॉल्व करते हैं साइन एक्स कोस एक्स
इनटू टेन एक्स इक्वल क्या होता है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, फिर प्लस कोट एक्स इक्वल कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स, तो साइन एक्स इनटू कोस एक्स। एलसीएम लेते हैं यहां से, एलसीएम इसका क्या आएगा कोस एक्स साइन एक्स, इसके अपॉन में कोस एक्स है तो कोस से कोस कैंसल, क्या रहेगा साइन, साइन इनटू साइन साइन स्क्वायर एक्स, प्लस इसके अपॉन में साइन है तो साइन से साइन कैंसल, कोस रहेगा कोस इनटू कोस कोस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसल, कोस एक्स से कोस एक्स कैंसल, तो क्या रहेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो सरल समीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल किसके होता है वन की, और ये किसके इक्वल है राइट हैंड साइड। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसके।